नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी को हेलो बोलता हूं। आज जो मैं बात करूंगा आपके सीटेट एग्जाम को लेकर बात करूंगा। जैसे कि आपको अजय सर ने बताया होगा कि हमने अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है और ऐप का नाम है शिक्षा सागर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मे हैव डाउनलोडेड दैट ऐप। आप सभी लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और जिसने नहीं किया वो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लें। तो जो हमारा सीटेट का एग्जाम आने रहने वाला है उसमें जैसा हमें पता है कि काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से एक इंग्लिश भी हमारा टॉपिक होता है और इंग्लिश जो एक टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इंग्लिश में अच्छा करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यू विल डेफिनेटली डू इट। तो मैं आपको इंग्लिश को लेकर कि आपकी जो स्ट्रेटेजी, जो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सीटेट एग्जाम होता है उसमें जो आपकी इंग्लिश होती है वो 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स में 15 आपकी पैडागोजी होती है, 15 आपके पैसेजेस होते हैं। और जो आपके पैसेजेस होते हैं वो दो हिस्सों में आते हैं। एक पैसेज जो आपका होता है वो 15 मार्क्स का 8 मार्क्स का होता है और दूसरा जो पैसेज आपका होता है वो 7 मार्क्स का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में अगर आप पैसेजेस की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आउट ऑफ 15 12 टू 13 आप आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो पैसेज जब आपके सामने आए तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या आपका उसके तरफ प्लानिंग होनी चाहिए, उसी को लेकर मैं आया हूँ। वैसे पैसेजेस की अगर मैं बात करूँ सभी लोगों का अपना पैसेज को लेकर सोल्व करने को लेकर अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ थंब रूल होते हैं जो माने जाते हैं कि जिसको फॉलो करना चाहिए। तो उन्हीं हम रूल्स की बात करेंगे आज आपके सामने कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पैसेजेस को सोल्व करने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब भी आपके सामने पैसेज आए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपके सामने वैसे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं और जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको उन पॉइंट्स के हिसाब से ही पैसेज को सोल्व करना है और उन चीजों का ध्यान रखना सोल्व करते वक्त। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली पैसेज सोल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब कि आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जब आपके सामने पैसेज आए तो आप पैसेज की तरफ एकदम से चले जाएं, उसको रीडिंग करने लग जाएं। तो एक रूल कहता है कि आपको पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये रहने वाला है कि आपको आंसर किस चीज का करना है और क्या कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर पैसेज आपसे मांग रहा है। तो हमेशा प्रेफरेबल होता है कि सबसे पहले आप जो काम करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ के समझेंगे कि आंसर आपको किस चीज का देना है। और द पॉइंट सेकंड जो आपको चीज ध्यान देनी है वो देनी है वोकैबुलरी। दुनिया का कोई भी पैसेज ऐसा नहीं है जिसमें वोकैबुलरी नहीं आती हो। वोकैबुलरी मतलब कि हर पैसेज में आपसे एक या दो नंबर के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे ही आप पैसेज में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो जो भी शब्द आपसे पूछा गया है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स उसको आप दिमाग में रखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और जहां भी आपको पैसेज में वो मिलता है उसको आप अंडरलाइन करके उसको लिंक करने की आप कोशिश करेंगे। तो सेकंड चीज जो आपको ध्यान देनी है वो आपको वोकैबुलरी का देना है। इसके अलावा वोकैबुलरी आपके एक और भी काम आती है और जो दूसरा आपके वो काम आते हैं वो इस काम आती है कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी से ही आपके सोल्व हो सकते हैं, तो आपको वहां पर भी ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड पॉइंट वोकैबुलरी, थर्ड आपको जो देखना है थीम और सेंट्रल आइडिया। हर पैसेज का कोई ना कोई थीम होता है, हर पैसेज का कोई सेंट्रल आइडिया होता है और कई बार आपसे वो सेंट्रल आइडिया थीम के बारे में पूछा जाता है। तो जब भी आप पैसेज को पढ़ें कोशिश करें कि उसको जानने की कि उसकी थीम क्या है या उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और जो आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको कर पाए। गॉट द पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, डेट्स एंड ईयर्स। काफी सारे पैसेजेस में डेट्स भी होती हैं और ईयर्स भी होती हैं। तो जो भी आपको पैसेज में डेट मिले या आपको ईयर मिले तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेट्स को लेकर और ईयर्स को लेकर भी आते हैं, तो अगर आप उनको अंडरलाइन कर लेंगे, आप उनको ध्यान देंगे तो आप आसानी से वहां पर जा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, पांचवा पॉइंट सॉरी, केयरफुल एलिमिनेशन। केयरफुल एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको सावधानी से, आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बेमतलब के होते हैं, मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट होते हैं। अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग का उसमें यूज करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से दो इनमें से बेकार हैं या यूजलेस हैं। हाँ, दो के बीच थोड़ा कंपटीशन होता है कि दो काफी क्लोज लगते हैं और काफी आपको लगता है कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो आपको कम से कम दो जो बेकार के हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको रिमूव करना है
और बाकी दो में से अपने ऑप्शंस को छांटना है। अगर आपके पास ये नौबत आती है, पहली बात तो आपको डायरेक्ट ही पता हो कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं कि एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट करें दो ऑप्शन को और फिर दो में से आप सिलेक्ट करें। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा सीटेट एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी नहीं होगा। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करें। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है फॉलो पैसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी लोग करते क्या है, जब वो पैसेज को करते तो अपने दिमाग का वो यूज करते। दिमाग का मतलब कि जो आंसर उनको पैसेज से देना चाहिए वो पैसेज से ना देके अपने दिमाग से उसको आंसर देने की कोशिश करते, जो कि गलत होता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में जो आंसर है वो सही है, जो आपकी नॉलेज उसके हिसाब से, लेकिन वो आपकी नॉलेज के हिसाब से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैसेज के हिसाब से। तो पैसेज में जो भी आंसर हो उसको ही आप कोशिश करें स्टिक करने की, उसको ही आप कोशिश करें लिखने की या टिक करने की। अपनी तरफ से अपनी आपको इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज नहीं करना है, अगर यूज करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। तो जो पैसेज आपसे पूछता है वही आपको करना है। तो आज मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि पैसेज जब आपके सामने आए उसको सोल्व कैसे करेंगे। 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वैसे पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं वो सबसे मेन पॉइंट्स हैं। जैसा कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड वोकैबुलरी, थर्ड थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, फोर्थ डेट्स एंड ईयर्स, फिफ्थ केयरफुल एलिमिनेशन एंड सिक्स्थ फॉलो पैसेज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और जल्दी ही मैं आपके सामने कुछ और इंट्रोडक्शन लेके आऊंगा, कुछ और चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करें और जो ये मौका आपको दिया जा रहा है इसका फायदा उठाएं। लॉगिन करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। सबसे पहले साइन अप प्रेस करें। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। पासवर्ड अपनी मर्जी से कोई भी रख लीजिए, जैसे अपनी मम्मी या अपने पिताजी का मोबाइल नंबर, ताकि आप उसे कभी भूलें ना। अगर आपको ये एप्लीकेशन किसी फ्रेंड ने शेयर की है तो उसका रेफरल कोड यहाँ फिल कीजिए और साइन अप प्रेस कीजिए। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे वैलिडेट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। जो नंबर और पासवर्ड आपने सेव किया था उसे यहाँ फिल करें और साइन इन करें। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जो पेड हैं। फ्री डेमो देखने के लिए नीचे डेमो ऑप्शन पर टच करें। जैसे आपके सामने सीटेट के सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर टच कीजिए, जैसे EVS। यहाँ आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, नोट्स PDF या टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी देख सकते हैं। आपको पसंद आई तो अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर टच करें। आपके सामने प्लान्स हैं जिसे आप बहुत कम प्राइस में एक्टिवेट कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑप्शंस हैं, किसी से भी पेमेंट कीजिए, जैसे डेबिट कार्ड के लिए ये डिटेल्स भरकर पेमेंट कर सकते हैं आप। अब आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया है और ये प्रोमो कोड जिसे भी एप्लीकेशन शेयर करें उसे ज़रूर बताएं। यहाँ से अपना प्लान जान सकते हैं आप, यहाँ अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पासवर्ड भूल जाएं तो यहाँ रीसेट कर लीजिए। अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को ये एप्लीकेशन और प्रोमो कोड शेयर करें और सब्सक्रिप्शन फ्री में पाएं।